नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कई अभ्यर्थियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है तो कुछ की मौत मल्टी ऑर्गेन फेल्योर की वजह से हुई है। बता दें आपको कि इस मामले की और अधिक गहराई से जांच की जा रही है। आखिर किन परिस्थितियों में हार्ट अटैक आया, ऑर्गेन फेल हुआ, इसकी जांच की जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां सिपाही भर्ती दौड़ में मौत मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें ये वजह सामने आई है कि कई अभ्यर्थियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है और कुछ अभ्यर्थियों की मौत मल्टी ऑर्गेन फेल्योर होने की वजह से हुई है। फिलहाल इस मामले की और अधिक गहराई से जाँच की जा रही है कि आखिर किन किन परिस्थितियों में ये इस तरीके के हालात पैदा हो गए, हार्ट अटैक आया या फिर ऑर्गन फेल हुआ। राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्पाद आरक्षी की दौड़ क्या मौत की दौड़ साबित हो रही है, ये सवाल आम लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं। यहीं पर दौड़ हुई है और लगातार अभी फिलहाल 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह दौड़ बंद कर दी गई है। लेकिन बता दें कि अभी तक इस दौड़ में दौड़ने के दौरान जो अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है उनमें से 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ज़्यादातर अभ्यर्थियों की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है, कुछ की मौत जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दौड़ के दौरान डॉक्टर भी कहते हैं कि जो पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है तो हार्ट अटैक होने के दौरान या जब उस समय प्रक्रिया होती है तबीयत खराब होने की, तो पसीना काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में समझ आइए कि जो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो दौड़ आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगानी है और ऐसे में आप समझ आइए कि उस दौड़ को पूरा करने के लिए जो अभ्यर्थी लगातार अपनी मेहनत करते हैं वो मेडिकली कितने फिट हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, खुद को परखने के बाद जब वो ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं तो वैसी हालत में उनका शरीर इस दौड़ के लिए कितना फिट है वो उस समय खुद को जज कर पाना मुश्किल होता है और इसी वजह से दौड़ के दौरान उनकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वास्तव में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत दौड़ने के दौरान, चूँकि गर्मी है, तीखी धूप है और वैसी स्थिति में जो परेशानी सामने आ रही है, जब वो तबीयत खराब होती है तो वैसे में सीधे अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ जाकर के कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। लेकिन हम देखिए, यहाँ पर एम्बुलेंस भी बाकायदा लगाया गया है कि जब भी ऐसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी की तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो नर्सेज हैं, क्या यहाँ पर जैसे जो अभ्यर्थियों की दौड़ होती है तो एम्बुलेंस यहाँ पर रहती है? जी सर, एम्बुलेंस यहाँ रहती है। तो क्या जब किसी अभ्यर्थी की तबीयत खराब होती है तो आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं? हम लोग यहाँ पेशेंट का जो ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाता है तो हम लोग उसको सदर अस्पताल लेकर जाते हैं और वहाँ उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है। तो अभी तक आप कितने पेशेंट को लेकर वहाँ तक गए हैं? लगभग हम लोग यहाँ तक पेशेंट ले गए होंगे 30 तक, 30 से ऊपर लेके गए हैं सर। कुछ पेशेंट को आपने भी देखा होगा कि उनकी स्थिति उस समय किस तरह की होगी? स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है सर, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उनकी दिमाग की स्थिति खराब हो जाती है दौड़ के समय में और उनका शरीर पूरा कमजोर हो जाता है सर। फिर हो चुकी है। कुल मिलाकर दौड़ की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दौड़ की प्रक्रिया 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई है और वैसे में ये देखने वाली बात होगी कि जब 3 दिनों के बाद दौड़ की प्रक्रिया जब पुनः शुरू होगी तो वैसे में क्या नियमावली में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जो वर्तमान नियमावली है उस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रांची से न्यूज 18 के संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, अभी आप बता भी रहे थे कि किस तरीके से ये दौड़ की वजह से अभ्यर्थियों की मौत हुई और उसके पीछे की वजह भी अब सामने आ गई है। ऐसे में जो दो वजहें सामने आई है, एक वजह तो हार्ट अटैक आ रहा है और एक मल्टीपल ऑर्गेन फेल होने की वजह सामने आ रही है। क्या लगता है इसके पीछे, जब ये दौड़ शुरू हुई तो क्या अभ्यर्थियों को कोई दवाई वगैरह दी गई थी, कोई ड्रिंक्स दिया गया था, स्टेरॉइड दिया गया था, इस वजह से हार्ट अटैक हुआ है?
लेकिन सबसे पहले आपको एक अपडेट दे दें कि अभी जो है जो हमारी ऋण प्रबंधन से जो हमारी बातचीत हुई है तो अपडेट ये सामने आया है कि ऋण प्रबंधन की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ऋण से पोस्टमार्टम हुई है उसकी रिपोर्ट पुलिस विभाग को सौंप दी गई है। हालांकि ऋण प्रबंधन फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल इस मामले में बोलने से परहेज कर रहा है क्योंकि यह लीगल मैटर है। उन्होंने कहा है कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है, अब इस मामले में आगे जो भी होगा वो आपको आगे के लोग बताएंगे, हमारा काम यहाँ तक था, हमने कर दिया। अब आपका दूसरा सवाल, सबसे बड़ी बात यह कि दौड़ में जो अभ्यर्थी वहां पर जाते हैं ट्रैक पर दौड़ने के लिए उनके सामने जीत होती है, एक टारगेट होता है कि हम इस टारगेट में इतनी दौड़ पूरी कर देनी है। अब कौन व्यक्ति, देखिएगा यहां पर जो बात सामने आ रही, कौन व्यक्ति या कौन सा अभ्यर्थी किस दौड़ के लिए कौन सा चीज, जो कि यहां पर कोई आपको कुश्ती नहीं है कि आपका वजन लिया जा रहा है। सीधे क्या होता है कि आप दौड़ में शामिल हैं तो आप एक सीधे आप दौड़ में शामिल हुए तो बस सीधे आपको मेडिकल फिटनेस, जो बार बार सवाल उठ रहा है कि मेडिकल फिटनेस अगर शुरुआत में हो जाए तो कई चीजें सामने आ सकती है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि हमें नौकरी लेनी है तो हम दौड़ में शामिल होते हैं। दौड़ में शामिल होने के लिए कुछ लोग अपनी जो कह सकते हैं कि बात जो सामने आई है कुछ स्टेरॉइड लेने की बात आई है, तो अभी फिलहाल उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है ये कोई स्टेरॉइड ले रहा है नहीं ले रहा है। डॉक्टर भले अंदाजा जता रहे हैं या कुछ लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड ली होगी और शायद ज्यादा परिश्रम करते, कि हर व्यक्ति का अपने स्टेमिना होता है और आप अपने स्टेमिना से ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो फिर क्या होता है कि सीधे जो तबीयत खराब होती है वो ज्यादा हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। एक घंटे में 60 मिनट में आपको दौड़ना है 10 किलोमीटर, जहां शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है, फेफड़े में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, डॉक्टर का साफ करना है कि वैसे। और ये देखना भी होगा कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि दौड़ में अगर अलग अलग अभी तक बातें सामने आ रही, हालांकि खुलकर के कुछ भी स्पष्ट रूप से कोई भी कहने को तैयार नहीं है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद आखिरकार सरकार ने उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए हो रही दौड़ को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर फिलहाल 3 दिन के लिए इस दौड़ को स्थगित किया गया है। बता दें कि सीएम ने ये निर्देश दिया है कि जब फिर से दौड़ शुरू होगी तो सुबह 9 बजे के बाद कोई दौड़ नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते का भी इंतजाम होगा। आपको ये भी बता दें कि दौड़ते वक्त सैकड़ों अभ्यर्थी की तबीयत अचानक खराब हुई, कई बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा और 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। ऐसे में 22 अगस्त से अलग अलग तारीख में राज्य के 7 केंद्रों पर दौड़ की शुरुआत हुई थी। तो अब सीएम हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर खुद ही संज्ञान ले लिया है और खुल करके उन्होंने अपनी बात रखी और निर्देश भी दिया कि अब जब आगे दौड़ शुरू होगी तो वैसे में 9 बजे के बाद दौड़ नहीं कराई जाएगी। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की दौड़ स्थगित किए जाने का झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता विश्वा शर्मा ने स्वागत किया। हेमंत विश्वा शर्मा ने हेमंत सरकार से मांग की है कि फिर से जब दौड़ शुरू होगी तो अभ्यर्थियों के लिए फल और जूस की व्यवस्था हो और जिस अभ्यर्थी की मौत हुई है सरकार उन पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे, क्योंकि अब अगर ऐसी घटना हुई तो झारखंड की बहुत बदनामी होगी। सितंबर से होना चाहिए, फल और दूध का व्यवस्था किया जाए और पीड़ित परिवार को झारखंड सरकार जो भी उचित समझे पीड़ित परिवार को मुआवजा का व्यवस्था करे। मैं अगर मुख्यमंत्री जी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो मैं जो भी मुद्दा उठाया हूँ अगर वो पॉजिटिवली लिया है मैं इसको वेलकम करता हूँ। अगर 15 से ज्यादा मॉड होगा पूरा नेशनल मीडिया यहाँ आ जाएगा, इससे किसका बदनाम होगा? झारखंड का बदनाम होगा। अगर 15 से ज्यादा मर्ड होगा ह्यूमन राइट्स कमीशन का टीम आना शुरू करेगा, इससे बदनाम किसका होगा? हेमंत सोरेन जी का होगा। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि झारखंड का बदनाम हो। यहां आके आके मेरा भी झारखंड से प्यार हो गया है तो मैं कहीं नहीं चाहता हूं बीजेपी कांग्रेस जेएमएम चलते रहेगा लेकिन झारखंड का बदनाम ना हो। खबर अब गढ़वा से है जहां एक बार फिर से जबरन धर्मांतरण का मामला अब सामने आया है। सोनेहारा गांव में बाहर से आए एक व्यक्ति ग्रामीण ने घर में जमा हुए लोगों के बीच बाइबल बांटते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों का ये कहना है कि पैसे का लालच देकर गरीबों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और हिंदू देवी देवता का अपमान भी किया जा रहा है। पूरे मामले पर आरएसएस के लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है।
और ये FIR की तस्वीरें भी, ये कॉपी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गढ़वा से ये खबर सामने आ रही है, जो एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है और कुछ लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। बताया ये जा रहा है कि हिंदू लोग थे वो, और उनकी देवी और देवताओं को वहां पर अपमान भी किया जा रहा था उनका, और इसके साथ ही बाइबल बांटा जा रहा था उन लोगों को। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गढ़वा से ये खबर भी। हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू और सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अनुचित बातें कहकर और जो जातिगत विद्वेष फैलाकर जो है जाति के बारे में अपमानजनक शब्द कहकर और हमारा जो हिंदू समाज है उसके प्रति गलत बातें कहकर और प्रलोभन देकर यहाँ पर जो अपने भोले भाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका धर्मांतरण कराने का गंदा कार्य। विकास मेहरा नाम का एक व्यक्ति जो खुद को पड़वा मोड़ का निवासी बताया, संभवतः प्रकाश में ऐसी भी बातें आ रही हैं कि वो मेराल थाना का है। उस व्यक्ति के द्वारा वहां के गांव के लोगों को इकट्ठा करके हिंदू धर्म के संबंध में दुर्भावना, जातिगत दुर्भावना एवं हिंदू धर्म एवं हिंदू धर्म के विशेष जातियों के प्रति एवं हिंदू धर्म के संस्कृति एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विरुद्ध समाज में दुर्भावना भरते हुए समाज में विद्वेष उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया और विद्वेष उत्पन्न करते हुए धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए गढ़वा से न्यूज 18 के संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, कितने लोग के धर्मांतरण की बात आई सामने आई है और कब से ये खेल चल रहा था? देखिए, ये जो विकास मेहरा नाम का एक जो व्यक्ति है वो पड़वामो का है और ये उस सोनेहारा गांव में गया हुआ था और लोगों को इकट्ठा करके जो प्रभु यीशु है उनके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा था, जबकि हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोल रहे थे। जब वहाँ के ग्रामीणों ने जब ये हिंदू देवी देवताओं के सब बोला गया तो उन्होंने इसके लिए हंगामा किया। हंगामा सुनने के बाद वहाँ पर स्थानीय दंडई थाना पुलिस को बुलाया गया। पुलिस थाने में आई और थाने से सोनेहारा आई, उस व्यक्ति को पकड़ के ले गई। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद RSS के लोगों ने भी अपना विरोध जताया है और गढ़वा दंडई थाना में जाकर एक आवेदन भी सौंपा है। आवेदन के आलोक में अभी तक पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। जी, बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए। गढ़वा में जबरन धर्मांतरण पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी का यह आरोप है कि धर्मांतरण को रोकने में हेमंत सरकार फेल है, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि यह सब बस बीजेपी का एजेंडा है। पहले तो संथाल परगना में धर्मांतरण की खबरें आम होती थी, अब तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, गढ़वा की बात करें, पलामू की बात करें, गरीब समाज के दबे कुचले वर्गों के लोगों को लगातार टारगेट किया जाता है प्रलोभन देकर और उनको जबरन ठग कर, उनको लालच में लाकर धर्मांतरण कराया जाता है, जो बेहद दुखद है। और सरकार पूरे मसले पर हाथ धरकर बैठी है, क्योंकि ये सरकार ने ही तो कहा था, आर्च बिशप ने कहा था कि हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मामले का क्या मामला है, मेरे को बहुत ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जब ये क्वेश्चन पूछा है, धर्मांतरण का केस जो है इलेक्शन के पहले ही क्यों उठता है, ये पहले क्यों नहीं उठता है? भारतीय जनता पार्टी नीत की सरकार जो रहती है तब कुछ नहीं उठता है, आपके विपक्षी दलों की सरकार रही तो ये सब मामला आप उठा कर करके क्या बताना चाहते हैं? अगर इस तरह की कोई घटना हुई तो निंदनीय है, इसको सरकार अपने स्तर से देखेगी, वहाँ के प्रशासन अपने स्तर से देखेंगे, गढ़वा के DC सीनियर SP वहाँ के अपने स्तर से देखेंगे, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तूल देने का जो किया है कि किस तरह से हम इसका लाभ ले सके, हमको लगता है कि गलत है। और इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से सामने आ रही है, जहां घात लगाए 8 से 10 की संख्या में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना मानगो के गौड़ बस्ती इलाके की बताई जा रही है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी शक्तिनाथ सिंह उर्फ W सिंह ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उनकी बलेरो गाड़ी को रोक दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शक्तिनाथ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना में मारपीट भी हुई है। आपको बता दें कि जिसमें
उनका ड्राइवर और एक व्यक्ति घायल हुआ है। हत्या की वजह आपसी विवाद या जमीन का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि एक साल पहले शक्ति सिंह के भाई की भी देवघर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के रिकॉर्ड में अमरनाथ सिंह एक अपराधी था। कगार में सर, आदमी कगार में चलो। अच्छा, घायल कितने लोग हुए? हम लोग घायल में तो जन का तो जान चल गया सर। अच्छा, एक मनोज बैद जो है सर, वो कहाँ गया अभी तक पता नहीं। थाने में ईश्वर सिंह का हाथ है। ईश्वर सिंह एक रूम भाड़ा मांग रहा था, उसको नहीं दिया गया। इस चक्कर में विवाद किया, विवाद से नहीं सुलझा तो वो लोग ऑफिस से रिटर्न आ रहे थे, उसके ऊपर तावाथोड़ गोली चला है ना। उसके बाद ये लोग भागने की कोशिश किया तो कुछ लड़के को ईटा पत्थर से मारा, डंटा से मारा, घायल किया और शक्तिनाथ के ऊपर गोली चला के स्पॉट डेड, ठीक है। और उसके बाद वो भाग चुका और कुछ लोगों के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और उन्हीं लोग की धरपकड़ में पुलिस लगी। उनके द्वारा एप्लीकेशन जब लिख के दी जाएगी तो उसमें मतलब कुछ जमीनी विवाद जैसा समझ में आ रहा है फिलहाल, तो उस विवाद की फर्दर अनुसंधान होगा तो क्लियर। और अब रुख करेंगे झारखंड के सियासत की खबरों का। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का नाम तय करना और चुनाव की रणनीति को लेकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बहुत ही अहम हुई, जिसमें यह सह चुनाव प्रभारी हेमंता विश्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के साथ ही कई नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मिशन झारखंड को पूरा करने के लिए बीजेपी जल्द ही परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू करेगी। बीजेपी फिलहाल विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आजसू को लेकर सात चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि लोजपा रामविलास पर भी फिलहाल बात चल रही है। प्रांत में परिवर्तन संकल्प यात्रा के नाम से झारखंड राज्य को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अराजकता से मुक्ति दिलाने का एक महा जन अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी छह प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से जो छह प्रमंडल हैं, छह प्रमंडल में यात्रा प्रारंभ होगी। कुल मिलाकर के 10 से 12 दिनों तक ये यात्रा सभी विधानसभाओं के साथ साथ राज्य के 264 प्रखंडों को टच करते हुए छह स्थानों से प्रारंभ होकर छह अलग स्थानों पर समाप्त होगी। उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी चुनाव समिति के लोगों को दी गई और उनके सुझाव प्राप्त किए गए। परिवर्तन यात्रा और चुनाव कमेटी का काम दोनों पैरेलल ट्रैक में चलते रहेगा और इस बीच में हम जनता दल यू और आसू पार्टी से भी अपना डिस्कशन हम लोग कम्प्लीट कर लेगा। सर, प्रधानमंत्री जी को क्या लोजपा का बारे में डेली बात करेगा में नहीं है, लेकिन आसू पार्टी और जनता दल यू से हम लोग थोड़ा झारखंड लेवल में ही हम लोग पहला शरण का जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी ने टेलको थाना का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। बीते दिनों बीजेपी के लोग थाने में एक ज्ञापन सौंपने गए थे। उसी दौरान थाने के मुंशी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था। बीजेपी नेताओं का कहना यह है कि पार्टी के लोग एक ज्ञापन देने थाना आए थे। यहां थाने पर थाना के मुंशी ने बीजेपी के लोगों के साथ बदसलूकी की और पार्टी का झंडा फाड़ने की धमकी भी दी। यहाँ के तीन कर्मचारियों ने उन हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया और जो ज्ञापन तैयार करके लाया गया था उसको भी छीन लिया और पार्टी के झंडा लेके जो कार्यकर्ता आए उनको भी थ्रेटनिंग दिया गया कि या तो थाने से बाहर जाओ नहीं तो झंडा भी फाड़ दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा टेलको थाना के धरना दिया गया था। कल इन लोग एक शिष्टमंडल के साथ एक प्रतिवेदन देने आए थे, जिसमें इन लोग का शिकायत है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया था, उसकी जांच की जाएगी। उस प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, अब जांच करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय को। और इसी के साथ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।